आइए दोस्तों, मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर हैं, समझ सोच कर मैं गजल कह रहा हूँ। आइए उस मेजबान शायर को आवाज दी जाए जो बहुत सूझबूझ के साथ कलम उठाता है और बिखरे हुए मनाजिर को बड़े सलीके से यकजा करके गजल का लिबास अता करता है। मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब मसरूर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात, अपने तफक्कुरात शायरी के हवाले से इस दरबारे अवाम के दरमियान पेश करें। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। हाँ देखिए, मुझे ये हुक्म भी हुआ है और ये उसूल मेज़बानियत भी है कि मकामी शोरा को इख्तसार से काम लेना चाहिए। जी हुजूर, अता कीजिए। मोहतरम हजरत, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं बगैर ताखिर अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अर्ज किया है जी, अता कीजिए कि जख्म खाकर भी वो दुश्मन को दुआ करते थे। क्या मिसरा है। जख्म खाकर भी वो दुश्मन को दुआ करते थे, मेरे असलाब अंधेरों में जिया करते थे। जख्म खाकर भी वो दुश्मन को दुआ करते थे, मेरे असलाब अंधेरों में जिया करते थे। और उनके किरदारो अमल क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। क्या कहने उनके किरदारो अमल क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। ताज दस्तार तो ठोकर में रहा करते थे। क्या कहने उनके किरदारो अमल क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। ताज दस्तार तो ठोकर में रहा करते थे, आंधियां आएंगी अपने को इकट्ठा रखना। क्या मिश्रा है। आंधियां आएंगी अपने को इकट्ठा रखना, अपना किरदार जमाने में निराला रखना। बहुत और लाख हो जाए तुम्हारा ये जमाना दुश्मन, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखना। बहुत अच्छे लाख हो जाए तुम्हारा ये जमाना दुश्मन, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखना। भाई जिंदा। और वफा परस्त हूँ खुददारी मेरे खून में है। बहुत अच्छे। वफा परस्त हूँ खुददारी मेरे खून में है। और ये तख्त ताज ये शाही मेरे जुनून में है। बहुत अच्छे। और मुझे फसाद की नजरों से देखने वालों, मुझे फसाद की नजरों से देखने वालों, खबर है तुमको कि जो कुछ भी है सुकून में है। क्या कहने। मुझे फसाद की नजरों से देखने वालों, खबर है तुमको कि जो कुछ भी है सुकून में है। और मेरे बुजुर्गों की तारीख उठा कर देखो। बहुत अच्छे। मेरे बुजुर्गों की तारीख उठा कर देखो और वफा में खून से लिखी हुई कहानी है। क्या कहने। मेरे बुजुर्गों की तारीख उठा कर देखो, वफा में खून से लिखी हुई कहानी है। और वतन की राह में सर को हथेली पर लेना, क्या यही हमारे तो असलाफ की निशानी है। बहुत है। वतन की राह में सर को हथेली पर लेना, यही हमारे तो असलाफ की निशानी है। क्या कहने। और हम वतन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाले। बेशक। हम वतन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाले क्योंकि हम लोग हैं ख्वाजा के जमाने वाले। हम वतन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाले क्योंकि हम लोग हैं ख्वाजा के जमाने वाले। हम तो मरकर भी इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरी तारीख तू पढ़ ले भगाने वाले। क्या कहने। हम तो मरकर भी इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। बेशक। मेरी तारीख तू पढ़ ले भगाने वाले। और एक मशवरा दे रहा हूँ कि वतन की बात जब आए तो तुम सब कुछ लुटा देना। क्या कहने। वतन की बात जब आए तो तुम सब कुछ लुटा देना, मुसलमानों तुम अपने नाम का डंका बजा देना। क्या कहने। मुसलमानों तुम अपने नाम का डंका बजा देना। और हमारा है वतन, हमने लहू देकर सजाया है। वाह। हमारा है वतन,
हमने लहू देकर सजाया है। मुजाहिद बन के सरहद पर लहू अपना बहा देना, क्या कहना हमारा है वतन, हमने लहू देकर सजाया है। मुजाहिद बन के सरहद पर लहू अपना बहा देना, और मिला था हमको जो चौपाल में बुजुर्गों से, क्या कहना मिला था हमको जो चौपाल में बुजुर्गों से, उसी कहानी का किरदार बांध रखा है। और वो जिस तरफ से भी गुजरे महक गए रस्ते के जैसे सीने पे गुलजार बांध रखा है, क्या कहने क्या वो जिस तरफ से भी निकले महक गए रस्ते के जैसे सीने पे गुलजार बांध रखा है। जलेंगी नफरतों की आग में ये बस्तियां कब तक, जलेंगी क्या कहने नफरतों की आग में ये बस्तियां कब तक, और बढ़ाई जाएंगी तुमसे हमारी दूरियां कब तक, बढ़ाई जाएंगी तुमसे हमारी दूरियां कब तक। और नई तहजीब ने, मोहतरम हजरात देखिए शेर पेश कर रहा हूं, नई के नई तहजीब ने हिस्सों में हमको बांट रखा है, क्या कहने एक ही कलमा पढ़ते हैं हम लोग। नई तहजीब ने हिस्सों में हमको बांट रखा है, यहाँ फिरका परस्तों की रहेंगी टोलियां कब तक। बहुत अच्छा। नई तहजीब ने हिस्सों में हमको बांट रखा है, यहाँ फिरका परस्तों की रहेंगी टोलियां कब तक। हमें हर हाल में अब मंजिले मकसूद पाना है, हमें हर हाल में अब मंजिले मकसूद पाना है। जलाते ही रहेंगे साहिलों पर कश्तियां कब तक, हमें हर हाल में अब मंजिले मकसूद पाना है। जलाते ही रहेंगे साहिलों पर कश्तियां कब तक, हमें हर हाल में अब मंजिले मकसूद पाना है। और जलाते ही रहेंगे साहिलों पर कश्तियां कब तक, और फसादी जो भी है मसरूर हिंदू है ना मुस्लिम है, क्या मिश्रा है फसादी जो भी है मसरूर मसरूर हिंदू है ना मुस्लिम है। सितम और जुल्म की आखिर चलेंगी गोलियां कब तक, क्या कहने मोहतरम हजरा देखिए एक नज्म है मेरी, हमारे भाई ने कहा कि पढ़ देना, मैं अर्ज कर रहा हूँ। नज्म से पहले चार मिसरे, उसके बाद मेरी नज्म शुरू होगी। अर्ज किया है कि तेरा रहम भी गरीबों के काम आ ना सका, अमीर शहर के जुल्मों से तो बचा ना सका, और दुल्हन के रूप में क्या क्या संजोए थे सपने, गरीब बाप मगर डोली में बिठा ना सका। मेरी बहुत अच्छे शुरू हो, बहुत खूब सुने, बहुत बहुत खूब। देखिए इस कबीले का यह दस्तूर पुराना है, बहुत दो मिनट की नज्म है। इस कबीले का यह दस्तूर पुराना है बहुत, कोई लड़की यहाँ आवाज नहीं कर सकती, जी तो सकती है वो खुद अपने लहू को पीकर, अपनी मर्जी से वो परवाज नहीं कर सकती। याद है आज भी वो वक्त, बहुत छोटी थी मैं, मेरी हमशीरा ने कुछ ऐसी ही ख्वाहिश की थी, मेरे भाई ने कबीले के हर एक फर्द ने खुद तेगो तलवार से खुद उसकी नवाजिश की थी। उसकी सहमी आवाज मेरे कानों को आज भी चीर के उस पार निकल जाती है, और कहती है कहना करना कभी ऐसी खता, ये खता वो है जो तकदीर बदल जाती है। छू ना पाया कभी मंजिल के निशान कोई भी, फिर भी दीवानों ने उम्मीद वफा रखी है, चाहने वाले मोहब्बत के कभी कम ना हुए, लाश पे लाश मोहब्बत ने उठा रखी है। तेरे जैसा ही था लेकिन कोई शहजादा था, फिर भी वो रस्म कबीले की नहीं तोड़ सका, लाख बिनती से खुशामत से हर इस कोशिश से मेरे सरदार का रुख फिर भी नहीं मोड़ सका। हाँ अगर तेरे इरादों में जवां मर्जी है तो तुझे प्यार का दस्तूर निभाना होगा, शाम वो आएगी जिस रात बनूंगी दुल्हन, तुझको बस मेरे लिए खून बहाना होगा, होगी अलगार मुकाबिल में तेरे जो होगा, एक आवाज से हर फर्द सहम जाएगा, होगी उसे तेरे फिर प्यार के दस्तूर की जंग, जो जवां मर्द मुकाबिल में तेरे आएगा। चांद तारे मेरे उस रात ये चूमेंगे कदम, ये जमी और फलक नूर की झालर ओढ़े, उस मुकाबिल में अगर जीत तुम्हारी होगी, मैं मिलूंगी तुम्हें फिर प्यार की चादर ओढ़े। अस्सलाम वालेकुम।